हंदवाड़ा के शारकुट इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक 24 साल के नौजवान ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी है। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हंदवाड़ा से हमारे सीनियर साथी शमीम लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, बताइएगा जिस तरह से इस ये खबर सामने आ रही है कि एक 24 साल के नौजवान की मौत वाकया हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, अभी तक क्या जानकारी है? जी प्रियंका, आपको मैं बताता चलूं, ये सब जिला हंदवाड़ा का जो इलाका है, ये तारतपुरा तहसील तारतपुरा, ये शारकूट तारतपुरा के रहने वाला है, जिसका नाम है मोहम्मद इकबाल। प्रियंका, जो मैं आपको बताता चलूं कि इसका नाम जो है मोहम्मद इकबाल चौपान, सन ऑफ मोहम्मद सेबिर चौपान, जो शारकूट तारसपुरा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये मेंटली अनसोर्ड था, इसकी एज जो है 27 बताई जा रही है, कि अपने घर में ये अपने कमरे में गया और तकरीबन 1 बजे के आसपास जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद उसने बताया गया कि जब मैंने वहाँ के लोकल के साथ बात किया या मैंने कुछ जिम्मेदार के साथ भी बात किया, साफ तौर के नए तकरीबन 1 बजे के करीब जो अपने कमरे में गया और वहां से अपने जो है अपने खुद को ही वहां पे इसने फांसी दिया है। साफ तौर ये कहा कि जब मैंने पुलिस के साथ भी बात किया, पुलिस वहां पे जो है SHO विलगाम जो है वो वहां पे पहुंच गए। अब वहां जो है वहां पे जो उनके घर पहुंच गए, तब वहां पे इसको वहां पे मुर्दा करार पाया गया है। जी बिल्कुल, इस प्रियंका, तरह से आपने जिक्र किया कि पुलिस ऑफिसर से आपकी बातचीत हुई है, उनका कहना था कि ये मेंटली अनसाउंड था और उसके बाद बताया जा रहा है कि खुद को फांसी लगा ली है। घर वालों से कुछ पता चल पाया है इसके बारे में? जी ये बताया जा रहा है कि जो बचपन से ही मेंटली अनसाउंड था, तकरीबन इसकी उम्र जो है 27 साल बताई जा रही है, जिसका पहले ही मैंने बताया ये तारतपुरा शारकूट का रहने वाला है, सब जिला हंदवाड़ा का इलाका है। इसका नाम है, जैसे मैंने अभी भी बताया, मोहम्मद इकबाल चौपान, सन ऑफ मोहम्मद शबीर चौपान, शारकूट तारतपुरा का रहने वाला है। जिस तरह वहाँ की पुलिस की टीम भी वहाँ पे गया, वहाँ के जब ये उस इलाके में ये खबर फैल गई तो सबों की आंखें नम हो गई कि उस इलाके की ये भी खबर आ रही कि ये बचपन से ही जो है इसकी जो बचपन से ही जो है मेंटली अनसाउंड था। तब वहाँ पे SHO विलगाम जो है वो वहाँ पे स्पॉट पे गया, उनकी टीम गई, तो अब वो ताकीदात कर रहे हैं किस चीज़ से हुआ। अभी तक जो जरा से खबर मालूम हुई है कि उसने खुद ही अपने आप को फांसी वहाँ पे जो है लटकाया अपने आप को, फिर वहाँ पे इसको मुर्दा करार पाया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। शमीम हमारे साथ हंदवाड़ा से ज्वाइन किए हुए थे, हंदवाड़ा के तारतपुरा शारकूट इलाका, जहां पर बताया गया एक 24 साल के नौजवान ने खुद को फांसी लगा ली और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उसके बाद घर वालों से बातचीत हुई, पुलिस ऑफिसर से बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये बचपन से ही मेंटली अनसाउंड था। और फिलहाल इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा, JK News पर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। देखते रहे JK News।